केशकेश के दाई तरफ संगमेश्वर की तरफ काफी जगह है, इस तरफ हमारी माए और बहने आ जाए, मेरा हाथ अगर दिख रहा हो तो इस तरफ आकर के शहीदों की यादगार की तरफ जो जगह है इस जगह पर बैठे। इमाम अहमद रजा रोड पर जो लोग आ रहे हैं जब मजमे के करीब आ जाए तो वो भी बैठ जाए, खड़े ना रहे। आपके खड़े रहने से इंतजार हो, इत्मीनान से आइए। और जो मर्द हजरात इधर है वो सब रेलिंग के बाहर निकल जाए। जो मर्द हजरात आप बैठेंगे तो पीछे आने वाले लोग भी इत्मीनान से बैठेंगे। आपको एक घंटा बैठना है, इसलिए आप खड़े रहेंगे तो परेशान हो जाए। मशारत चौक से आगे खवातीन है, इस तरफ बस स्टैंड से आगे खवातीन है, इस तरफ जूने बस स्टैंड से आगे खवातीन है। जब से 2014 से इस मुल्क में मोदी हुकूमत आई है, बीजेपी हुकूमत आई है, हर सुबह हर रोज मुसलमानों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी होती है। मुसलमान सुबह उठकर जब बिस्तर से आंख खोलता है तो एक मसला उसके लिए खड़ा होता है। कभी हमारी शरीयत में मुदाखलत, कभी आर्टिकल 370 का खात्मा। उम्मीद और बेदारी का सबूत देते हुए आज मुल्क के इस सुलगते हुए मसले पर आकर यहाँ पर अपनी दीनी बेदारी का सबूत दिया है। तारीख मदहू अनुसल्ले अला रसूल करीम अम्माबाद, आज की अजीम एहतजाजी रैली में शरीक तमाम मेरी, और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी आपका ताउन इसी तरीके से हमारे साथ रहेगा। जय हिंद, खुदा हाफिज। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नौजवान से जो जुल्म सितम हुए उनके खिलाफ अगर आज माए बहने बेटियां सड़कों पर निकल की पोती अभी अभी दो मिनट में स्टेज पर चलने वाली है, मुबारकबाद देता हूं मैं उस देश की आजादी को कि जिससे अपने असलाब की कुर्बानी को याद करते हुए मारे गांव की माँ बहन बेटियों की रेल में इस रैली में इश्तेदार बनी है। अस्सलाम वालेकुम। माँ बहन बेटियों से अपील करता हूँ कि बिराए मेहरबानी आप बैठ जाए, हमारे लिए ये खुशी का मुकाम है कि आज मुगल खानदान की आजादी, मुगल खानदान
फाइनेंस मिनिस्टर ने ये ऐलान किया है कि हम बैंकों को किसी तरह का फंड नहीं देंगे, बैंकें अपना कर्जा वसूल करें और आमदनी के जराए पैदा करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारा पैसा इस्तेमाल होता है और हमारे पैसे से देश चलाया जाता है और हमें इस तरह मुल्क को बदर करने की बात की जाती है, ये हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं एक ऐलान जो शान हिंद ने किया है उसकी वजाहत करना चाहता हूं कि देश बचाओ, दस्तूर बचाओ, देश बचाओ, 26 जनवरी को 70 मकामात पर हम झंडा बंधन करेंगे, मुल्कों का तराना पढ़ेंगे और इस बात का अहद लेंगे, हलफ लेंगे कि हम दस्तूर भी बचाएंगे और देश भी बचाएंगे और इसके लिए हमें जितनी भी कुर्बानियां देनी होगी हम कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। मैं आज इस वक्त डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान को यह बता देना चाहता हूं कि हमने हमेशा शांतिपूर्ण एहतजाज किया है, हमने कभी ऐसा कोई रास्ता इख्तियार नहीं किया, हमने कभी कानून को हाथ में लेने की कोशिश नहीं की। लेकिन जो लोग इस शहर को तहरीक से महरूम करना चाहते हैं उन पर आपको नजर रखनी होगी। मैं इस बात को महसूस करता हूं कि हमारी इस रैली को सुबोताज करने के लिए, इस रैली में भगदड़ पैदा करने के लिए, इस रैली में हंगामा बर्पा करने के लिए कुछ शरपसंदों को आमादा किया गया था, लेकिन हमें इस बात का वक्त से पहले पता चल गया। हमने ये बात डिपार्टमेंट के कान पर भी डाली और ये बात हमने उन अपने रजाकारों तक पहुंचाई कि हमें हर तरीके से हमारी आवाज पर आने वाली अपनी माओ और बहनों की हिफाजत करना है। जिस तरह वो अपने घरों से निकल करके आई हैं, इसी तरह इत्मीनान और सुकून के साथ उनके घरों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं दस्तूर बचाओ कमेटी की तरफ से, अपनी तरफ से, शान हिंद की तरफ से, जमीयत उलमा मालेगांव की तरफ से, रजा एकेडमी की तरफ से, उलमा काउंसिल की तरफ से, अशरफ एकेडमी की तरफ से, सुन्ना सुन्नी मुश्तरका कमेटी की तरफ से और भी जिन तंजीमों ने हमारी इस खवातीन की रैली को हिमायत दी है उन तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं और ये उम्मीद करता हूं कि ये शहर तहरीकी रहा है, इंशाअल्लाह हमेशा तहरीकी रहेगा। कहते हैं कि सुबह के तख्त नशी शाम के मुजरिम ठहरे, सुबह के तख्त नशी शाम के मुजरिम ठहरे। हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा, जो कल तख्त नशी थे उन्हें आज गुमनामी के घार में लोगों ने डाल दिया है। जो आज तख्त पर बैठे हुए हैं वो ये ना भूले कि वो हमेशा रहेंगे, उन्हें भी ये तख्त तो छोड़ना पड़ेगा। कहते हैं कि वो जो लुट गई मेरी अजमतें मेरी गफलतों का खिराज है, वो जो लुट गई मेरी अजमतें मेरी गफलतों का खिराज है, जो मैं जाग उठूं तो मेरे लिए वही तख्त है वही ताज है। कल रात JNU जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में जिस तरह CAA और NRC के खिलाफ एहतजाज करने वाले पुरअमन हमारे तलबा और तालिबात पर ABVP और RSS के गुंडों ने और BJP के कारिंदों ने जो जिस तरह हमला किया और मर्द तलबा के साथ साथ तालिबात और लड़कियों को भी अपने जुल्म सितम का निशाना बनाया, ये लाखों का मजमा इस बात की मजम्मत करता है। आप हाथ उठा करके इस मजम्मत की तायीद करें और मैं अपनी माओ और बहनों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने किसी के बहकावे में ना आते हुए शरीयत और शहरियत में फर्क करके शरीयत को बांटने की बात की है। आपने उनके जो है इस प्रोग्राम को रद्द किया है और इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। ये बताना चाहता हूं कि ये शहर तहरीकी रहा है, तहरीकी रहेगा। जहां ये मस्जिदों का, मीनारों का, मदरसों का, उलमा का शहर कहलाता है, इसी तरह हमारा ये शहर मुल्क में अपनी एक तारीख भी रखता है। मैं दोबारा शुक्रिया अदा करते हुए आप सभी से ये गुजारिश करता हूं कि आप हमारा ये पैगाम अपने घरों तक पहुंचाएं कि 26 जनवरी को कोई भी पेट्रोल नहीं भरवाएगा और इसी तरह अपने अकाउंट में जो पैसा होगा वो थोड़ा पैसा बाकी रख करके आप अकाउंट से अपना पैसा निकाल लें। हालात कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप दुआ के लिए हाथ उठाएं और दुआ पर हम अपने इस रैली और इस एहतजाज का इख्तिताम करेंगे।
دعا کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب العرش العظيم, والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت, ولا هما إلا فرجت, ولا كربا إلا نفست, ولا دينا إلا أديت, ولا مريضا إلا شفيت, ولا ميتا إلا رحمت, ولا مظلوما إلا نصرت, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين, يا أكرم الأكرمين, يا ذا الجلال والإكرام, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں, قدم قدم پر آپ کی مدد کے محتاج ہیں. پروردگار عالم ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری آواز پر لبیک کہنے والی ہماری ماؤں اور بہنوں کو اپنی آزادی کے لیے, اپنی عصمت اور اپنی آبرو کی حفاظت کے لیے, اپنے بہترین محفوظ مستقبل کے لیے, اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے, آنے والی نسلوں کی مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے, اعتداد درج کرانے کے لیے گھروں سے نکلی ہے اور شہیدوں کی یادگار پر آ کر کے سڑک پر بیٹھ کر کے ان لوگوں نے احتجاج کا جو مظاہرہ کیا ہے, پروردگار عالم اسے کامیاب فرما اور ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما. ہماری ماں اور بہنوں کی ان قربانیوں کو پروردگار عالم منزل مقصود تک پہنچانے کے فیصلے فرما. آج ملک پر جو لوگ حکمراں ہیں, اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما, اور اگر ان کے حصے میں ہدایت نہ ہو تو دیش کو, ملک کو اور اس زمین کو ان سے پاک کرنے کے فیصلے فرما. پروردگار عالم ہم کمزور صحیح لیکن تیرے نام لیوا ہے, اور تیرا نام لیوا ہونے کی وجہ سے, تیرے محبوب نبی کے امتی ہونے کی وجہ سے آج ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑنے کی سازش کی جا رہی ہے. کرنے والی ذات تیری ہے پروردگار عالم, تو ہی حفاظت کرنے والا ہے, تو اپنے مخلوق پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے. اے اللہ ہماری جان کی حفاظت فرما, مال کی حفاظت فرما, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اس ملک میں بسنے والے تمام انصاف پسند, انسانیت نواز اور دستور پر یقین رکھنے والوں کی حفاظت فرما. اس ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا. اس ملک میں رہنے والوں کو امن و امان اور شانتی عطا فرما. پروردگار عالم ہم مجبور صحیح, ہم بے یار و مددگار صحیح, لیکن تو قادر مطلق ہے, تیرے قبضے میں سب کچھ ہے, تو جو چاہے کر سکتا ہے. تیری مرضی کے بغیر اس کائنات میں ایک پتا بھی نہیں ہلتا. پروردگار عالم ہماری اس چھوٹی سی قربانی کو قبول فرما لے. اے اللہ ہماری مائیں اور بہنیں, ہماری بیٹیاں, چھوٹے چھوٹے چھوٹی چھوٹی بچیاں گھروں سے نکل کر کے آئی ہیں, اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لے. اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لے. اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لے, ان کی قربانیوں کی لاز رکھ لے. پروردگار عالم اس ملک میں جس طرح اللہ یا قانون لانے کی بات کی جا رہی ہے, پروردگار عالم اس سے ملک میں بسنے بسنے والے انسانیوں کی حفاظت فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتے اور کفیت میں قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اس اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی تمام معزز خواتین اور آپ تمام میری ماں اور بہنوں, میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ آج ادھرتے ہوئے سیلاب کی طرح یہاں حاضر ہوئے. یہ سیلاب اس تحریک کا حصہ ہے جو تحریک ہندوستان کے مختلف حصوں میں چل رہی ہے.
कर दिया कि मालेगांव शहर ये एक तहरीकी शहर है। मालेगांव शहर ने जो तारीख रखी है कि दुनिया में कहीं भी अगर जुल्म होता था सबसे पहले मालेगांव शहर में आवाज उठती थी। हमने आज ये बता दिया कि हम हमारे माजी को देखते हुए कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा रहेंगे। मेरी माओ और बहनों, आप देखते होंगे टीवी में शाहीन बाग में औरतें इतनी शदीद सर्दी में अपने कमसिन बच्चों को अपनी छाती से लगाए हुए एहतजाज करती। तो मैं मालेगांव से मेरी तमाम ख्वातीनों की तरफ से उनको सलाम करती हूँ कि ऐ माओ बहनों, आप अकेली नहीं हो। अगर आप दिल्ली में हो तो मालेगांव के लोग आपके साथ हैं। अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो तो मालेगांव की ख्वातीन आपके साथ हैं। हिंदुस्तान की आजादी की तहरीक औरतों की कुर्बानियों के बिना मुकम्मल नहीं होती। जहां रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी रियासत को बचाने के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया, दूसरी तरफ बेगम हजरत महल ने भी तलवार उठा ली। हिंदुस्तान की तारीख जहां हर समाज के लोगों के लिए, हर मजहब के लोगों ने जंग आजादी में हिस्सा लिया, अब हमको मौका मिला है। अब हमको मौका मिला है कि मगरूर और जालिम के खिलाफ आवाज उठाएं। आप लोग यहां आए और तमाम शिद्दत की नाराजगी के बाद भी यहाँ आए, इसलिए मैं दस्तूर बचाओ कमेटी की तरफ से आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपसे मैं ये कहना चाहती थी कि जिन्होंने कल का वाकया देखा होगा कि जेएनयू में घुसकर शरपसंद बीजेपी के स्टूडेंट्स ने घुसकर न सिर्फ जेंट्स स्टूडेंट को बल्कि लेडीज स्टूडेंट को भी हमला किया और पुलिस उनके साथ थी। इसके बाद बीजेपी हुकूमत इतनी शरपसंद हो गई है कि वो मर्दों के साथ साथ औरतों को भी जुल्म कर रही है। और मालेगांव में कहा जाता है कि औरतें तुम घर से मत निकलो। ये बुजदिल हमको बुजदिल बनाना चाहते हैं, लेकिन हम बता देंगे कि मालेगांव की तारीख रही है कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई उससे पहले मालेगांव ने यह आवाज उठा दी थी कि बाबरी मस्जिद शहीद होने वाली है और आप हुकूमत उसको बचाने की कोशिश कर। ये तहरीकी शहर जो साथी निहाल अहमद साहब ने जो तहरीक की रूप होगी, मालेगांव शहर कुछ छत के ऊपर छुपकर और कंपाउंड में छुपकर एहतजाज नहीं करता। बाबरी मस्जिद के शहादत से आज तक मालेगांव ने सड़कों पर आकर दस्तूर को बचाने की कोशिश की। मेरी माओ और बहनों, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आने वाले वक्त में जब जब हमारे दस्तूर पर और जालिमों के खिलाफ जब जब आवाज उठानी पड़े, आप लोग हमारा साथ दें। मैं शुक्रगुजार हूँ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की, जिन्होंने इस तहरीक की सरपरस्ती की और एक सहारा दिया मुझे। मैं शुक्रगुजार हूँ हर तंजीम की, हर सुन्नी तंजीम की, हर तबलीगी तंजीम की, हर जमात की, जिन्होंने यहाँ पर आकर हाजिरी पेश की। मैं मालेगांव की पुलिस से शिकायत करती हूँ कि उन्होंने जो तालिबे इल्म, दोनों तालिबे इल्म थी तलबा, उनको मालेगांव आने से रोका। पुलिस के साथ साथ मालेगांव के कुछ लोग और थे जो तुमको आने से रोकते थे, वो दोनों स्टूडेंट को भी आने से उन्होंने रोका। यहाँ तक के पुलिस ने हमको जब इस रैली की परमिशन दी तो ये बोल कर दिया कि वो दोनों आयशा और लबीदा मालेगांव नहीं आई, वरना वो आप लोगों के बीच में शामिल हो। लेकिन आज हमारी आवाज न सिर्फ दिल्ली बल्कि हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचेगी और ये बता देगी कि जब भी हमारे मुल्क पर आफत आई, हर कौम की तरह मुसलमान कौम की औरतें भी उतरी और इंशाअल्लाह हमेशा उतरती रही। हम लोगों ने ये तय किया है कि 26 जनवरी 70वीं सालगिरह है, 26 जनवरी उस दिन मालेगांव के 70 जगह पर जमा होकर अलग अलग हम हिंदुस्तान का झंडा लहराएंगे और राष्ट्र के गीत पढ़ेंगे और ये मांग करेंगे कि हम हमारे दस्तूर में किसी तरह की भी
तब्दीली बर्दाश्त नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते। मेरी माओ बहनों, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि इस 70 की जगह पर जो हमारी तहरीकें होगी 26 जनवरी को, उसमें आप लोग हाथ उठाकर अपनी तजवीज मंजूर की मेरी, इसका वादा कीजिए हाथ उठाकर। माशाल्लाह, मैं तमाम औरतों की शुक्रगुजार हूँ। मैं ये बात कहकर मेरी बात खत्म करती हूँ, ये तकरीर खत्म करती हूँ। मैं पहले अपनी जिंदगी में पहली बार इतने बड़े मजमे में बोल रही हूँ, मेरी हैसियत नहीं थी इतनी बड़े, लेकिन आप लोगों ने आज आवाज से लबैक कहकर मुझे काबिल कर दिया कि मैं आप लोगों के सामने खड़ी। मैंने कभी भी इतने बड़े मजमे को नहीं, अब जो मेरे अलावा जो लोग बोल रहे थे उनके सामने ना मेरा कद है ना मेरी हैसियत है। वो इतने बड़े हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी पूरी इस कौम के लिए गुजार दी। मैं शुक्रगुजार हूँ हर जमात की जिन्होंने हमको यहाँ पे जमा होने का मौका दिया, आप लोगों की मदद की। मैं ये कहकर मेरी बात खत्म करती हूँ कि तारीख जानती है हर दौर सितम में, तारीख जानती है हर दौर सितम में, हम जिंदा थे, हम जिंदा है, हम जिंदा रहेंगे। अस्सलामुअलैकुम। दस्तूर बचाओ कमेटी की इस रैली ने गुज़िश्ता तमाम रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। माँ और बहनों ने बहुत बड़ी तादाद में नीचे बैठ गए। शहरियारे मालिकों की तरफ से शोला बयान मुकर्रा का, जिनकी तकरीरें वुमन इंडिया टीवी नजर करता है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। स्टेज पे बैठे हुए तमाम मौजूदीन खवातीन और हज़रात जहाँ कहीं हैं, शहरिया ने मालेगांव की माएं बहनें बेटियां जो बड़ी तादाद में यहाँ तशरीफ लाई और एनआरसी और एसएसएफ खिलाफ जमा है, मैं उन तमाम मालेगांव की खवातीन का तहदिल से पहले शुक्रिया अदा करती हूँ। ये मालेगांव शहर है जिसका इराक बचाव पर भी माली मदद करती, यह फलस्तीन बचाने के लिए भी सबसे आगे आया, यह बाबरी मस्जिद बचाव कमेटी के लिए भी आगे आया। यह शहर हर जुल्म सितम के खिलाफ लड़ता है। कर्बला बना में हजरत ज़ैनब का वाकया याद कीजिए, मुस्लिम खवातीन कर्बला के मैदान से लेकर जंग मैदान तक पानी पिलाने तक में शरीक रही और मालेगांव शहर की आई शनाख्त एक तहरीकी शहर की है। आज मैं मालेगांव शहर की तमाम माओ बहनों को दिल की गहराइयों से शुक्रिया के साथ मुबारकबाद देती हूँ कि उनकी आवाज सदा बसारा साबित ना हो, उनकी आवाज अमित शाह तक पहुंचे, मोदी तक पहुंचे। आज एनआरसी की बात जो बोली जा रही है ये छोटी बात नहीं है, मैंने 14 आर्टिकल अवामी आवाज में एनआरसी के ताल्लुक से लिखे हैं, उसमें बताने की कोशिश की है कि एनआरसी से नुकसान क्या होंगे। ये वो जिंदा कौम है जिससे उसका गांव पूछा जा रहा है, उसका शहर पूछा जा रहा है, उसके माँ बाप पूछे जा रहे हैं, उस कम्युनिटी से जिसकी कुर्बानियां जंग आजादी में आरएसएस वालों की कुर्बानियां नहीं है, जनसंघ की कुर्बानियां नहीं है, बीजेपी की कुर्बानियां नहीं है, सावरकर की कुर्बानियां नहीं है, कुर्बानियां है इंडिया गेट पे 70% मुसलमानों के नाम शोदाए आजादी में है। यह हमारी तारीख है, यह हमारा करिश्मा है कि हमने कुर्बानी देश के मिट्टी में कतरे कतरे में हमारी मुसलमानों की कुर्बानी शामिल है। और हमसे पूछा जा रहा है कि हम इस वतन के रहनुमा नहीं, हमने रहनुमाई भी की, हम राहबर भी बने, वो अबुल कलाम आजाद हो, अशफाकुल्ला हो, हमारी कुर्बानियां आज हमसे पूछी जा रही है, हमसे सवाल जवाब किया जा रहा है। मैं आपको बहुत अजान होने वाली है इसलिए अपनी तकरीर शॉर्ट करूंगी। मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि एनआरसी किसने लागू किया, वो शख्स जिसका नाम है मुरनाल तालुकेदार, आसाम में जिसने एनआरसी लागू की उस
उसके लिए अपनी जवानें खत्म कर दी और उसकी मदद की थी चीफ जस्टिस, सारे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने। ये मैं हवा में नहीं बोल रही, मेरे पास सबूत है, मेरे पास किताबें हैं, मैं राइटर हूं, 1972 से लिखती हूं, उनका एक एक सबूत रखती। आज वो आदमी रोता है, उसने अपनी किताब लिखी है एआरसी का खेल, उस किताब में लिखा है कि मैंने अपनी जवानी पागलपन में गवा दी। मुझे दुख हो रहा है कि 19 लाख लोग आज भी बचे हैं जिनको एनआरसी में कोई जगह नहीं मिली, लेकिन इसमें से 13-14 लाख तो हिंदू है। ये वो लोग थे जो स्टूडेंट थे, तलवा थे, और उन्होंने तहरीके चलाई आसाम में। इनके अपने माँ बाप का सबूत नहीं मिल रहा था इनको जो तहरीके चला रहे। इसलिए हम लोगों को अपनी तहरीकों में जिंदगी लानी होगी, खवातीन को बाहर निकलना होगा, खवातीन को दिखाना होगा कि मालेगांव शहर एक तहरीकी शहर है। मालेगांव की ओर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हाथ की उंगली और दूसरे हाथ में डाल के, कि हम इस तरह मिले हुए, जकड़े हुए, आपस में मिले हुए। और आज मालेगांव शहर की हद नजर खवातीन इकट्ठा है। उन्होंने एक बार बता दिया कि मर्द खवातीन का कोई फर्क इस्लाम ने नहीं किया, औरतों को भी वही हक हासिल है जो मर्दों को हासिल है। ये वाहिद मजहब है जो बराबरी का हक खवातीन को देता है। और आज खवातीन ने अपने हक का इस्तेमाल करते हुए अपनी तमाम मसरूफियात को बालाए ताक रखकर यहाँ आई। मैं इस कयादत के लिए शाहनहीन निहाल अहमद को और मेरे सरपरस्ती जनाब मौलाना मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को मुबारकबाद देती हूँ। आप आई हुई तमाम खवातीन को, मुअज्जिन को, स्टेज पर बैठी हुई खवातीन को, अजान होने वाली है, इसका लिहाज रखते हुए मुझे जो कुछ बोलना था वो मैं अब न बोलते हुए अपनी बात खत्म कर। तीन नीचे जो बैठे हैं स्टेज के में जो बैठे हैं वो सिर्फ हाथ उठाएंगे, बाकी सब नीचे बैठे रहेंगे। हमारे गांव में आपकी शान, हमारी शान, निहाल अहमद की शान, हमारी भाभी साजिदा निहाल अहमद मंच पर उपस्थित, हमारी सारी बहनें, हमें इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए हमारे जो भाई है, उलेमा है, मौलाना है, आमदार साहब है, इन्होंने जो हमको ताकत दी, आप सब जिन्होंने शान की शान बढ़ाई, ऐसे सभी मेरी महिला माँ बहनों, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जनता दल पार्टी की ओर से मेरी बहना बोले, मेरी बिटिया बोले, हम सब भी बोले, तुम सब भी बोलो, ये शान इंदौली, ये शान इंदौली। जिन्होंने आंधियों के रुख को मोड़ दिया, जब हमने हवाओं को ललकारा तो उन्होंने अपना रुख मोड़ दिया, और जब हम सड़कों पर उतर आए तो हुकूमत वक्त को ललकार दिया। हल हुए हैं मसले शबनम मिजाजी से मगर, हल हुए हैं मसले शबनम मिजाजी से मगर, गुत्थियां ऐसी भी हैं जिनको सुलझाती है आग। अब हमें लगता है कि शबनम मिजाजी काम नहीं आएगी, अब ख्वातीन इस्लाम को आग बनना पड़ेगा। अब मैं सबसे पहले दावत खिताबत दे रही हूँ, मुगल सल्तनत की आखिरी वारिस मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की पड़पोती मोहतरमा सुल्ताना बेगम साहबा को, जो कलकत्ता से इसराइली के लिए तशरीफ लाई हैं, मैं इन आशा के साथ उनको दावत खिताबत देती हूँ कि सुलगती रेत पर तलवे लहू लहू करना, सुलगती रेत पर तलवे लहू लहू करना, फिर उसके बाद गुलाबों की आरजू करना, ये रस्म अब भी है जिंदा मेरे कबीले में, ये रस्म अब भी है जिंदा मेरे कबीले में, खुद अपने बहते हुए खून से वजू करना। मोहतरमा सुल्ताना साहब, और
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमारी माँ और बहनों, मैं आप लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि औरत कभी कमजोर नहीं होती। आप लोग कम से कम वो ख्याल करें कि कर्बला के मैदान में बीबी ज़ैनब ने वो हिम्मत दिखाई कि आप लोगों को उनको याद करके आप लोगों में भी हिम्मत दिखानी होगी। यहाँ से एनआरसी हटाओ, अपना वतन बचाओ। बीबी कर्बला के मैदान में यजीद ने वो जुल्म उठाए, बीबी ज़ैनब ने वो अपनी हिम्मत दिखाई। आज उनको रोने वाला एक सजर, एक हजार, एक बसर, एक जानवर आज भी मुहर्रम के मौके पर रोता है। लेकिन आज यजीद जो हुसैन को मिटाने चले थे, आज वो खुद मिट गया। रावण भी बहुत जुल्म किया कि राम को मिटा दे, लेकिन वो खुद मिट गया। लेकिन राम भी जिंदा है, हमारे कर्बला भी जिंदा है। मैं माँ और बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी हिम्मत कीजिए। हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी कौम हो, हमारे लिए सब हिंदुस्तानी है। ये कहते हैं कि हिंदुस्तान हिंदू का वतन है, जो भी कहता है वो चला जाए अरब। हिंदू का वतन अरब कंट्री है, बुत परस्ती वहाँ हुई थी। हमारे नबी जब दुनिया में आए तो वहाँ बुत परस्ती हटी, इस्लाम फैला। हिंदुस्तान में सबसे पहले हुकूमत मुगल की हुई, ये हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ से कोई भी पाकिस्तान नहीं जाएगा, कोई तुर्किस्तान नहीं जाएगा। यहाँ हम सब मिलकर, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब मिलकर यहाँ रहेंगे। बहादुर शाह जफर ने वो कुर्बानी दी कि उनके दो बेटे मुगल सुल्तान और दारा शिकोह को जब कत्ल किया, बहादुर शाह जफर के 13 औलाद को फांसी दी गई, 11 को पीछे यमुना नदी में बहा दिया गया। जब उनको नाश्ता के लिए तश्त में लेकर आए, ब्रिटिश गवर्नमेंट कुफार ला इदबार, ये कुरान में है, इस पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, तो कहा कि आपके लिए नाश्ता लाया। जब तश्त उठाकर देखा तो उनके बेटों का सर था, तो उन्होंने क्या कहा कि शुक्र है अल्लाह का कि मुगल की औलाद बाप के सामने सुरखुरु होकर आया करते हैं। आप ये बताएं कि दुनिया में कंधे के बाप के कंधे के ऊपर भारी क्या होता है? एक जवान बेटे का जनाजा होता है। वो बहादुर शाह जफर को अल्लाह ने किस मिट्टी से बनाया था कि वो एक अल्लाह का शुक्र अदा किए लेकिन उठ तक नहीं किए। आज बहादुर शाह जफर जब वतन से बेवतन किया गया तो वो क्या लेके गए? अपने तकिया के गिलाफ में वतन की मिट्टी, और जीनत महल से कहा कि देखिए, जब मैं दफन किया जाऊं तो ये हिंदुस्तान की मिट्टी मेरे सीने पे रख देना। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि उनकी मिट्टी रंगून से दिल्ली लाई जाए। आज भी उनका कब्र खाली है। आप लोग हिम्मत कीजिए, एनआरसी हटाइए, देश को बचाइए, कर्बला को याद कीजिए। आज वो कहते हैं मैं जब लाल किला के ऊपर झंडा फहराया जाता है, सलामी लिया जाता है, जब वहाँ पे ये नहीं समझते, नेताजी सामने नहीं है, नेहरू जी सामने नहीं है, गांधी सामने नहीं है, उनका नाम लिया जाता है, मौलाना आजाद का नाम क्यों नहीं लिया जाता? और जिस इमारत के ऊपर सलामी ली जाती है, आज तक बचपन से देखती आई हूँ कि एक बार भी उन्होंने कोई भी प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कहा कि ये मुगलों की बनाई हुई इमारत है। क्यों? कि हम मुसलमान हैं इसलिए नाम नहीं लिया जाता। क्यों नहीं? देश विदेश से मंत्रियों को बुलाया जाता है कि आप यहाँ आए, हिंदुस्तान में सब देखें। क्या भाई विदेश से बुलाया जाता? क्या उनको ये नहीं मालूम कि बहादुर शाह जफर की एक वारिस कलकत्ते में भी है? मुझे क्यों नहीं बुलाया जाता? आप लोग से ये गुजारिश है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, मुझे मजहब से कोई मतलब नहीं। हम सब आपस में भाई बहन है, हम सब मिलकर रहेंगे। ये मोदी को हटाया जाए, ये जो कहते हैं कि योगी कहते हैं कि यहाँ का नाम बदली किया जाए, वहाँ का नाम बदली किया। जब मुगल की हुकूमत थी उस वक्त अयोध्या का नाम नहीं बदला गया, तो अब वो अपना अलग कर लिए कि फैजाबाद
तो योगी या कोई भी हुकूमत को क्या हक है, क्या हक सिर्फ मुसलमानों का जगह का नाम क्यों बदला जा रहा है? बस हमसे यही गुजारिश है कि आप लोग हिम्मत कीजिए, हिम्मत से लड़िए। आज मैं भी 1980 से हुकूमत से लड़ रही हूँ, लेकिन ये हुकूमत अंधी बहरी है, ये न सुनाई देती है न कुछ। ये जब से आए गोधरा कांड में भी वैसा ही किया, अब आप भी वैसा ही कर रहे हैं। आप लोग से मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, आप लोग सब एक साथ रहे, हिंदुस्तान में रहें और हिंदुस्तान में रहेंगे। हिंदुस्तान हमारा वतन है, हिंदुस्तान के लिए बहादुर सरजफर ने बहुत कुछ किया। आज उनको याद करने के लिए इनके पास ना कोई जुबान है ना कोई लफ्ज है। क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान क्यों जाए? पाकिस्तान में 1947 से पहले वो हिंदुस्तान था और है। बस इसी के साथ मैं अपना ये थी मोहतरमा सुल्ताना साहबा। अब मैं आवाज दूंगी औरंगाबाद के एक पाल कारपोरेटर को, जिनका नाम है सायरा बानो अजमल खान साहबा, जो कि औरंगाबाद के स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर भी है। मोहतरमा सायरा बानो अजमल खान साहबा, मोहम्मद इमरान रजवी साहब, जावेद अलवर साहब, जनाब मोहम्मद मुस्तकीम डिग्निटी सेक्रेटरी जनरल जनता दल सेकुलर, और काबिले कद्र और काबिले एहतराम साथियों और मेरे